इस आदमी ने खाना चुराया है, इसीलिए ये लोग इसे सजा दे रहे हैं। इसके हाथ को ट्रेन से बाहर निकाला जाता है। इस चलती ट्रेन के बाहर का तापमान -200 डिग्री है। अब आदमी का हाथ जमकर पत्थर जैसा बन गया है। एक हथौड़े की मदद से उसके हाथ को तोड़ दिया जाता है। बाद में महिला सभी गरीबों को कहती है कि जो भी खाना चुराएगा उसकी हालत ऐसी ही होगी। ये ट्रेन पिछले 20 सालों से लगातार चल रही है। ट्रेन के अंदर गरीबों को कॉकरोच से बना खाना खिलाया जाता है, लेकिन इन लोगों के बीच में यह आदमी गरीबों को अच्छा खाना मिले इसीलिए सभी को बगावत करने को बोलता है। जब सैनिक इन लोगों को खाना देने आते हैं तभी ये लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि उनकी बंदूकों की गोलियां कब की खत्म हो चुकी हैं। ये लोग इन सैनिकों को कुचलकर उनके पास से चाबियां निकाल लेते हैं। बाद में वह एक आदमी को आजाद करते हैं जो कि सभी दरवाजों को कैसे खोला जाइए वो जानता है। आगे के डिब्बों में जब यह लोग जाते हैं तो उसे बाहर का नजारा दिखाई देता है जहां पर सभी चीजें जम गई होती है। अगले डिब्बे में इन गरीबों के लिए खाना बनाया जाता था। इतना खाना देखकर यह लोग उनके ऊपर टूट पड़ते हैं।